न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन रिंग के अंदर। इस तरह हैलोजिनेशन के अंदर हैलोजन ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ था, इसी तरह नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रो ग्रुप का होगा। तो जो नाइट्रेशन हमारे पास होती है ये आमतौर पर होती है जब हमारे पास 1:1 के अंदर दो चीज़ें आती हैं, जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम H2SO4 को 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ, और हमारे पास नाइट्रोनियम आयन देता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक जनरल सिंपल रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद उसका मैकेनिज्म देखेंगे। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, रिएक्शन हमारे पास होगा सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में एज अ कैटलिस्ट। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आएगा और इसके नतीजे में हमारे पास नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा और साथ वाटर आ जाएगा। तो चले जी, लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म इन विच हमारे पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोनियम आयन बनेगा। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हम नाइट्रिक एसिड को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो यहाँ से जो पहली चीज़ होगी वो पानी खारिज होगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O, ये हमारे पास बन जाएगा HSO4-1, ठीक है, और ये नाइट्रो ग्रुप है ये NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। NO2 पॉजिटिव हमारे पास किस तरह होता है कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन गया हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, दो दो चार बॉन्ड हो तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आता, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखे थे, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ये नाइट्रोजन का इधर डबल बॉन्ड आ गया और ये नेगेटिव बन गया और ये साथ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। साथ हमारे पास क्या होगा, HSO4 आएगा, ये जो HSO4 है ये हमारे पास क्या करेगा, हमारा सिंपली एक रिएक्शन इस तरह का शो करेगा कि हमारे पास जो है वो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ सिंपली दोबारा रिकवरी भी हो सकती है उसकी। तो ये जो हमारे पास HSO4 बना था ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम दोबारा डबल बॉन्ड रिकवर हो जाएगा, इसको हम NO2 कह लेते हैं, ठीक है, और साथ हमारे पास बन जाएगा H2SO4, कैटलिस्ट दोबारा रिकवर हो गया, साथ नाइट्रोबेंजीन भी बन चुका है हमारा। तो इट मींस के हम कह सकते हैं कि हमारा जो नाइट्रोबेंजीन वो इजीली प्रिपेयर हो चुका है। सेकंड जो हमारे पास